नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। कुछ महीने पहले ही बॉलीवुड को गुड बाय कहने वाली जायरा वसीम इन दिनों फिर से चर्चाओं में बन गई हैं। दरअसल धर्म और उनके बीच करियर आने का हवाला देने वाली जायरा एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि दंगल गर्ल जायरा ने पहले क्यों सुर्खियां बटोरी थी। जी हाँ, इसकी वजह थी 30 जून 2019 का जायरा वसीम की वो लंबी चौड़ी चिट्ठी, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में काम करने को अपने धर्म के लिए खतरे में बताया था। जायरा ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 5 साल पहले मैंने जो फैसला लिया उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। इस फील्ड में मुझे बेहद प्यार, साथ और तारीफ मिली, लेकिन ये मुझे अज्ञानता की राह पर भी ले जा रहा है। ये मुझे मेरे ईमान से दूर कर रहा है, मेरे मजहब के साथ मेरे रिश्तों को खतरा पहुंचा रहा था। मुझे एहसास हो रहा है कि भले ही मैं यहाँ परफेक्टली फिट होती हूँ, लेकिन मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं आज ऑफिशियली ऐलान करती हूँ कि इस फील्ड से मैं खुद को अलग कर रही हूँ। ये था वो गुड बाय मैसेज जो जायरा ने लिखा था। साथ ही इस लेटर के बाद कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के रिएक्शन भी आए थे, कई ने जायरा की क्लास भी लगाई। लेकिन अब फिर से एक बार जायरा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं। हाल ही में जायरा वसीम की आने वाली फिल्म द स्काई इज पिंक का ट्रेलर रिलीज हुआ और इस ट्रेलर के आते ही सोशल मीडिया पर घमासान हो गया। इस फिल्म में जायरा के साथ प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर भी लीड रोल में हैं। फिल्म का ट्रेलर में जायरा काफी बोल्ड अंदाज में नजर आई। आपको बता दें, फिल्म में जायरा प्रियंका और फरहान की बेटी का रोल निभा रही हैं, जिसके बाद लोगों ने जायरा को आड़े हाथों ले लिया। दरअसल जब जायरा ने बॉलीवुड को अलविदा कहा था तो काफी लोगों को ये नहीं पता था कि वो इस फिल्म में नजर आने वाली है। सबको तो यही लगा कि जायरा बॉलीवुड छोड़ चुकी हैं। साथ ही लोगों का कहना ये भी है कि जब जायरा इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी तो उन्होंने फिल्म ही क्यों की, या अगर बॉलीवुड से जाना ही था तो इस फिल्म के बाद ही चली जाती। क्योंकि उनकी फिल्म जगत से संन्यास के बाद इस फिल्म के रिलीज होने से लोगों में भ्रम बना हुआ है कि वो आगे भी फिल्में करती रहेंगी या नहीं। कई ट्विटर यूजर ने जायरा के पिछले फैसले को मजाक बताया है। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के बाद तो सबको यही लग रहा है कि जायरा ने ये सब लाइमलाइट में आने के लिए किया और अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए किया। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।